बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेला गोश्त की रेसिपी। बहुत इजी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार, और जिस तरीके से मैं करेले बनाने आपके सिखाऊंगी, इस तरीके से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे और सभी बहुत मज़े से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 350 ग्राम यहाँ पर चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के रख दिया है, और साथ ही मैंने लिए हैं प्याज। प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, ये तकरीबन हाफ बाल के करीब प्याज हैं। आप लोग प्याज कम भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं करेले, जिनके मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, मैंने इन्हें छिलकों के साथ ही काट लिया है बारीक बारीक, और इन्हें नमक लगाकर मैंने आधा घंटा के लिए धूप में रख दिया था, और मैंने इनका तमाम पानी जो है वो निचोड़ दिया है, जो कड़वा पानी निकला था, और इन्हें साफ़ पानी से 2 से 3 मरतबा धो लिए हैं। तो फ्रेंड्स, करेलों की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल गुल फूड सीक्रेट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, करेलों को फ्राई कर लेंगे हम सबसे पहले। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल लिया है, और अब मैं तमाम करेले जो है इन्हें फ्राई कर लूंगी अच्छे से। तो हमने करेलों को तब तक फ्राई करना है जब तक करेलों का कलर जो है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। तो करेलों को फ्राई करने और इनको धोने का जो प्रोसेस है वो मैं अपनी पिछली करेलों की वीडियो में भी दे चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही समझ आ चुकी है तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो करेले हैं वो सारे निकाल लूँगी, इनका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है और ये थोड़े से करंची भी हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। इस स्टेज पे आपने आकर इन्हें निकाल लेना है, और मैं इसी ऑयल में जो मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं, प्याज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को ऑयल में डाल दिया है, और मैं इन्हें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इन्हें फ्राई करूँगी। तो आपने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बल्कि आपने सिर्फ तब तक इन्हें फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है और ये सौते नहीं हो जाते हैं, तो तब तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्याज़ों का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है, ये वाइट हो चुके हैं और सौते हो चुके हैं। तो मैं ये यहाँ पे प्याज जो है वो निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। आप इन्हें अच्छी तरह से छन्नी में डाल के वो कर लें, ताकि इनका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो मैं यहाँ पे सारे प्याज नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं थोड़े से प्याज जो है वो ऑयल में रहने दूंगी, ताकि जिस तरह हम सालन बनाते हैं, सालन बनाने के लिए जितने प्याज मुझे चाहिए थे मैं उतने प्याज जो है वो ऑयल में रहने दूंगी। और मैं इन्हीं प्याज़ों में चिकन फ्राई कर लूंगी। चिकन को आप अच्छे से फ्राई करें। तो फ्रेंड्स, चिकन के अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने से ये होगा कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर जाएगा नमक का, तो ये फीका फीका सा नहीं बनेगा बल्कि बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढांप कर पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी ढांप कर। ढांपने से ये होगा कि जो चिकन का पानी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और उसी के अंदर जो चिकन है वो अच्छे से पकेगा हमारा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं चिकन का सारा पानी जो है वो अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, और चिकन हमारा 50% जो है वो पक चुका है। और यहाँ पे मैंने तमाम पानी जो है चिकन का वो खुश्क कर लिया है। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई किया, और ये मैंने इसका तो तमाम पानी है चिकन का वो मैंने खुश्क कर लिया, और यहाँ पे सिर्फ ऑयल रह चुका है और चिकन है। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने 1 कप भर के टमाटर लिया है। टमाटरों के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही खट्टा खट्टा सा सालनी फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप टमाटर कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें कम यूज़ करें, और आप इसकी जगह दही यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और टमाटरों को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। मैं इसे ढाँप कर पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और मैं इसे चमचे से मिक्स करूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ चिकन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था, अलग अलग भी बनाना था, एक साथ ही मैंने बना लिया, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं 2 मिनट तक इसे भूनूंगी ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वो पक जाए। तो फ्रेंड्स, आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे।
तो यहाँ पे लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो गया, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए प्याज। प्याज जो मैंने अभी सौते करके रखे थे, मैंने वो वाले प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो प्याज ऐड करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी प्याजों को। और यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पाउडर मसाले। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था, इस वजह से मैंने नमक यहाँ पे कम यूज़ किया है। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक यूज़ किया है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया यूज़ किया है। तो नमक चूंकि मैंने करेलों को भी लगा कर उन्हें धोया था, इस वजह से करेलों को भी थोड़ा सा नमक लगा हुआ है, और मैंने चिकन के अंदर भी ऐड किया नमक, इस वजह से मैंने यहाँ पे नमक जो है वो बहुत कम यूज़ किया है। तो आप भी पहले टेस्ट कर लें नमक, और फिर उसके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया मसाला के अंदर, और मैं इसे अच्छे से भून लूंगी, ताकि मैं पानी ऐड करने से जो है हमारी जो भुनाई है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनूंगी मसाले को, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से पक जाए, जो मिर्चें हैं वो हमारी अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए करेले जो मैंने अभी फ्राई करके रखे थे, तो मैंने करेले वो ऐड कर दिए हैं। और करेले ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे करेले जो हैं वो मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, और करेले मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसे हाई फ्लेम पे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है करेलों को अंदर डालने के बाद। तो इससे जो होगा हमारा करेलों का जो एक्स्ट्रा इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जो बच जाएगा वो ड्राई हो जाएगा, और ये बहुत अच्छे बन जाएंगे, मसाला इनके अंदर रच बस जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो हैं वो मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, इसे भुनाई इसकी करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं, और ये गरम गरम चपाती के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।